नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल एक संदेश पर। मैं राव लोधी आज डिवाई विधानसभा के मोहल्ला ऊंचा में हूं, जो कि होली गेट के पास ही है। साथियों, आप चारों ओर देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहां पर भीड़ लगी हुई है, और यह भीड़ किस वजह से, मैं बताएंगे कि किस प्रकार से यहां भीड़ का सावन माह में मेला सा लगा हुआ है। आज बृहस्पतिवार है, और बृहस्पतिवार और सावन का महीना चल रहा है, और इस समय लोग महादेव की भक्ति में न जाने कहाँ कहाँ से कांवड़ ला रहे हैं, न जाने कहाँ कहाँ से जल को, गंगा जल को ला रहे हैं। और आज ये आप शक्ति मानिए या फिर कोई चमत्कार मानिए या कोई साइंटिफिक रीज़न मानिए, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि पूरी जो हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, पानी पानी हुई पड़ी है, और आज उसी के संबंध में आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ लगी हुई है। भीड़ लगी हुई है कि यहाँ पर आज एक चमत्कार हो रहा है। शायद ये चमत्कार ना हो आपकी नज़रों में, लेकिन कहीं ना कहीं ये चमत्कार को ज़रूर दिखा रहा है। आप यदि हम वीडियो देखेंगे तो उसमें जानेंगे कि वाकई में क्या ये सत्य है, क्या है। तो हम बात करेंगे इस मंदिर की। इस मंदिर में आज बृहस्पतिवार को सावन के महीने में भोलेनाथ के दूत नंदी जी दूध पी रहे हैं। जी हाँ, ये बिल्कुल सत्य कहानी है, और ये सत्य हम आपको अपनी पूरी में दिखाएंगे कि किस प्रकार से यहाँ पर नंदी दूध पी रहे हैं। बहुत से बच्चे हैं यहाँ पर, और बच्चों से भी जानेंगे कि क्या क्या इन्होंने देखा है इस वीडियो में, और इस मंदिर में क्या क्या इन्होंने नंदी के देखा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ लग रही है। ये भीड़ चमत्कार की है, भोले बाबा के भक्त की, भक्तों की है, और इस मंदिर के जो भी, इस मंदिर में जो भी पुजारी आते हैं, पूरा का पूरा मोहल्ला यहाँ उमड़ पड़ा है, और हो सकता है धीरे धीरे यहाँ पर पूरी डिवाई भी आ जाए, क्योंकि चमत्कार ही ऐसा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार से यहाँ पर दोनों गेटों में, दो गेट हैं, काफ़ी प्राचीन मंदिर भी है, और दोनों ही गेटों में लोग भीड़ से नंदी को दूध पिलाने के लिए बार बार आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक और ये बच्ची है, क्या नाम है तुम्हारा? गुंजन। क्या देखा आपने? मैंने देखा कि नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। नंदी महाराज दूध पी रहे हैं। तुमने पिलाया दूध? नहीं, इतनी भीड़ थी कि नंबर ही नहीं आया मेरा। अच्छा, अभी नंबर नहीं आया। तो क्या और क्या क्या देखा था? क्या लग रहा है, ये चमत्कार है या और कुछ है? नहीं, लग रहा है ये चमत्कार है। अच्छा, भगवान महादेव का। तो और भी यहाँ पर देखिए बहुत से लोग हैं। आप क्या करने आए हो यहाँ पे? दूध पिलाने आए। तो सच में नंदी जी दूध पी रहे हैं? हाँ। आप भी? हाँ। लग रहा है आपको कि नंदी जी दूध पी रहे हैं? हाँ, पी रहे हैं। देखिए, ये कोई असत्य घटना नहीं हो सकती, इतने सारे लोग हैं, इतने भीड़ में यदि आप इस चीज़ को असत्य मानेंगे, ये चमत्कार ही है या कुछ और है, हम इसकी पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ भौगोलिक रीजन भी हो सकता है। लेकिन ये जरूर है कि यहाँ पर जो भगवान भोलेनाथ के दूत हैं, महादेव के दूत हैं, वो यहाँ पर दूध पी रहे हैं, नंदी बाबा के दूध पी रहे हैं। आपने क्या देखा अंदर? हकीकत है भाई, पी रहे हैं। वीडियो बनाई थी मैंने। अच्छा, वीडियो बनाई थी आपने? बिल्कुल हकीकत है, वो पी रहे भी हैं। अच्छा, पिला भी रहे हैं। केवल दूध या पानी भी? नहीं, दूध ही दूध पी रहे हैं। अच्छा, और भी लोग हैं। इधर आओ, तुमने क्या देखा बेटा? अच्छा, ये जो लोग हैं ये पूछ रहे हैं, तो तुमने क्या क्या देखा बेटा? नंदी बाबा दूध पी रहे थे। सच में पी रहे हैं? ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर पूरा माहौल भीड़ में हो चुका है। ये देखिए हाथों में दूध लेकर आई हैं नंदी बाबा को दूध पिलाने के लिए। और हम अभी अंदर भी जाके दिखाएंगे कि किस प्रकार से भीड़ इतनी है कि हम अंदर नहीं जा सकते। आप वीडियोज में देखना कि किस प्रकार से नंदी बाबा दूध पी रहे हैं। गौरव और कर आ रहे। तो साथियों, आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर जो नंदी बाबा हैं, बिल्कुल लाइव, ये देखिए किस प्रकार से दूध पी रहे हैं यहाँ पर चम्मच से। जो भक्तगण हैं वो बेहद खुश हैं कि ये कोई बाबा का चमत्कार है। ये देखिए, ये गया दूध बाबा जी के पेट में, नंदी बाबा के पेट में। ये देखिए, ये बच्ची है छोटी सी, और ये नंदी बाबा को दूध पिला रही है। ये देखिए किस प्रकार से नंदी महाराज दूध पी रहे हैं लगातार। ये आपको देखने मिल रहा है कि किस प्रकार से नंदी बाबा दूध पी रहे हैं। सावन का माह है, ये देखिए भीड़ काफ़ी है, हम थोड़ी देरी आपको दिखा सकते हैं। ये देखिए, ये किस प्रकार से, बिल्कुल जैसे आदमी दूध पीता है उसी प्रकार से नंदी महाराज यहाँ पर दूध पी रहे हैं। साथियों, हमने आपको मंदिर का दृश्य दिखाया कि किस प्रकार से जो नंदी महाराज हैं वो दूध पी रहे हैं, और आप भीड़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे जैसे लोगों को पता चलता जा रहा है
वो गिलास या चम्मच में दूध को लेते हुए आ रहे हैं। आप हम अपने गौरव से कहेंगे कि यहाँ पर जो भीड़ है उसको मंदिर में दिखाएं कि किस प्रकार से भीड़ बढ़ती जा रही है। हर मिनट यहाँ पर भीड़ बढ़ रही है। और यहाँ पर एक और भैया हैं, क्या क्या देखा आपने? हमने ये देखा कि यहाँ पे दो लोग थे, फिर तीसरी बार में हम आए, हमने चम्मच लगाई, दूध खत्म हो रहा था। चम्मच लगाते हैं भरी हुई और दूध खत्म हो रहा था। अच्छा, हमने अपने आप ही? यस, हमने हैंकी भी लगा के देखा उसके नीचे, लेकिन ये साक्षात प्रमाण है। अच्छा, बच्चा भी दूध पीता तो एक बूंद तो वैसे भी गिर जाती है। और ये तो एक जानते हैं पत्थर से आदमी पिला रहा है, तो ये सत्य है, दूध पी रहे हैं। अच्छा, हमने भी देखा था, ये वाकई में ही सत्य है। तो क्या मानते हैं, कोई साइंटिफिक रीजन है या सच में भगवान की शक्ति है? ये तो भगवान की शक्ति है। इस समय पर आप जानते हैं सावन का महीना है, 59 दिन मिले हुए हैं हमें, शायद 4 सोमवार थे, अब 8 सोमवार मिले हुए हैं, तो इसमें कुछ तो चमत्कार होगा। अच्छा, हाँ जी। तो और भी लोग हैं अंकल जी, आपने देखा क्या? आपने देखा? अच्छा, आपने क्या क्या देखा? हाँ जी, मैं बैठा था यहाँ, और मेरा नाम राम है, मैं मोहल्ला काजी खेल का निवासी हूँ। तो ऐसा हुआ था, एक कुकी भैया आए हैं जो हमारे पड़ोस में रहते हैं, वो भैया आए थे, उनके साथ एक दो जना और था। तो मैंने कि क्या कर रहे हो, वो बोले वो चंदोसी से फ़ोन आया, ऐसे ऐसे हमारे रिलेशन है और वहाँ ऐसे नंदी महाराज जी दूध पी रहे हैं। अच्छा, तो मैंने कहा ऐसा कुछ नहीं है। तो जब मैंने वहाँ जाके देखा तो बाकी में वही था रीजन। अच्छा, बिल्कुल, मैं खुद अचंभे में पड़ गया था, मैं नंदी महाराज जी दूध पी रहे हैं। जब मैंने अच्छी तरह देखा तब बाहर कुछ बंदे बैठे थे भैया लोग, मैंने उनको बोला, मैंने कि देखो, उन्होंने देखा, अपने घर जाके बोला, तब ये सब लोग आए। फिर लगभग कितना समय हो गया? लगभग एक घंटा करीब हो गया। एक घंटे से लगातार दूध पी रहे हैं? जी जी, कंटिन्यू। अच्छा, कंटिन्यूस। मेरे सामने उन्होंने 20-25 चम्मच पिलाया था। अच्छा, और एक भी बूंद नीचे नहीं गिरा। अच्छा, सारा दूध उनके मुंह में जा रहा था। तो देखिए, ये बिल्कुल सत्य घटना है, हमारी खुद की आंखों देखी है कि किस प्रकार से जो नंदी महाराज हैं वो यहाँ पर दूध पी रहे हैं। तो इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे चैनल एक संदेश के साथ। मैं राहुल लोधी आपसे अलविदा लेते हैं। चम्मच गाली है जाननी है। तू जाएगा अंतिया पहले? आज ये तो रचना है। लगी नहीं वाली? अरे लाइट जलाओ। लाइट जलाओ। मम्मे। हाँ। हाँ जलाओ। गौरव। मैं पिलाऊंगा। नीचे पहला तोड़ नीचे है। अन्ना बाटियो बाबू आ बाटो। अन्ना कुछ आ तुम आओ। ला रही हूँ वही पिलावे। चन्नी। अरे सिलाई तो चलो खा जाएंगे। पहले जी भरी हुई मैं सिलाई चढ़ा एक गिलास तो ठहर जाता हूँ। आदमी बड़े लोग अरे मेरा खुशी आ रही ये तो दिन चढ़ा देना ही बोला है अम्मी छोड़ दी। अरे गौरव लाइट का ही बुझा रहे हैं बार बार, तो तुम्हारी लाइट बुझा लेते निकल रहे हैं। जगह ना एक कम पी रहे हैं। कम पी रहे हैं। कम पेड़ लग रहा है वो तो कमी पिंगी। कल ही ले बताओ। आधे गाड़ी और एक गाड़ी तुम मीडिया ही रहा है। देख रहे हैं? हाँ देख रहे हैं। लो और नीचे। रचना। बहुत लवली। गिलास दे रचना गिलास दे। ये तो नीचे को हाथ लगा ली। नीचे को कौन को हाथ लगा पे रख? नीचे को कुछ भी कर रहा यार। अरे ऐसा ना, ऊपर मोबाइल लगा गड्ढे में।
अरे नेक्स्ट नाम ये दुनिया समान।